खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो कि नागौर के डेगाना से आ रही है, मिठरिया से। यहां पर 25 से ज्यादा मोरों की मौत का मामला सामने आया है, साथ ही 10 से ज्यादा कमेडियों की भी मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि पक्षियों की मौत जहरीला दाना खाने से हुई है। ग्रामीणों ने अज्ञात शिकारियों के जहरीला दाना डालने की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गया है। और इस बीच वन विभाग को मौके से करीब 30 मोर घायल अवस्था में मिले हैं, जिनका डेगाना पशु अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बड़ी संख्या में मोरों के शव मिले हैं। गांव में सुबह यहाँ पर मोर मरे हैं काफी, तो स्टाफ को तुरंत रवाना कर दिया। आसपास स्टाफ कलेक्ट करके स्टाफ ने यहाँ पर देखा तो 13 नर और 13 मादा मोर तो मरे हुए मिले हैं। उसके अलावा 6-7 मोर जो है घायल मिले हैं, जो जिनको रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल भिजवा दिया इलाज के लिए। कितने मोर मरने की सुना, कितने घायल मोर हैं इसमें? 13 नर और 13 मादा, 26 तो मिले हैं और 6-7 जो है वो रेस्क्यू किए हैं घायल अभी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज खान जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर इन मोरों की मौत कैसी हुई? डेगाना के पास में मिठड़िया ग्राम है, वहाँ पे एक गुजरों की ढाणी है। तो सुबह जब ग्रामीण वहाँ अपने खेत के आसपास जा रहे थे तो उनको पता चला कि कुछ मोर और घायल अवस्था में मोर पड़े हैं। तो उसको लेकर ग्रामीणों ने काफी हड़कंप मचा और आसपास के उन्होंने गांव, अपने जो नजदीकी गांव मिठड़िया है उसमें लोगों को सूचना की कि इस गुजोर डाणी के पास में काफी मर्द अवस्था में मोर पड़े हैं। तो ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचना दी। तो जितने भी वो जहां पर भी उस एरिया के अंदर आसपास जा रहे थे, जैसे जैसे फिर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उनको मोर मिल रहे थे। तो इस मामले में उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और बेहतर वन विभाग को भी इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने सूचना दी, जहां से वन विभाग की टीम मेहता की डेगाना पहुंची और उन्होंने वहां मोरों के आंकड़े लिए और पशु चिकित्सक को भी इतला की, जिसमें पशु चिकित्सकों ने जो भी घायल मोर थे उनको डेगाना के पशु चिकित्सालय में ले गया और वहां का उपचार किया। साथ ही अभी भी इस वन विभाग का अच्छा चौकी स्वयं शुरू है, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि जो हम जिस थोड़ी थोड़ी दूर पे जा रहे हैं तो काफी दूर दूर भी इनको अभी भी कुछ जो छोटे पक्षी है, कमेडिया जिनको मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, वो भी उनको भी अभी 10-20 अवस्था में मर्द अवस्था में मिली है। और साथ में जो मोर भी हैं अभी भी उनके साथ अभियान जारी है, हो सकता है कि ये संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर उस तमाम जानकारी के लिए।